हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज़ राजन कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सामान्य भूगोल टेस्ट नंबर 10, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। और इसमें 150 प्रश्न हैं, जिसमें से हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वह ये रहा। इसमें भारत की अवस्थिति के बारे में पूछा गया है और इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से पहला है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत, इसमें आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इसमें बताया गया है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि वह पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है, ये कहना चाह रहा है। और तीसरा ऑप्शन है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है, लेकिन यह पश्चिमी गोलार्ध में नहीं अवस्थित होकर के यह हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। और इसका जो लेंथ है उत्तर दक्षिण वह कितना हो जाएगा, 3219 किलोमीटर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है, तो वो बांग्लादेश होगा। कौन सी जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है, तो ये पाक जलडमरू मध्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी भारत का जो लोकेशन है और भारत का जो विभाजन है, प्रशासनिक विभाजन, उसके संदर्भ में पूछा गया है। इसमें आप देखिए 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सही ऑप्शन होगा, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो, इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है एट प्रेजेंट में, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नहीं है, ये राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि यूपी होगा सबसे बड़ा राज्य। तो इस तरह से तीनों जो फैक्ट्स हैं वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय, हिमालय से संबंधित भी यहाँ पर 4 फैक्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प जो होगा वो पहला, तीसरा और चौथा होगा। दूसरा जो है वो बोला गया है इसमें कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 5 भाग में है, जबकि इसका अक्षांशीय विस्तार 3 भाग में होगा। आप जैसे हिमालय का यदि आप आकार देखें, इस तरह का है, इसमें वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, तो 3 भाग में यह बांटा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर भारतीय मैदान के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी 2 फैक्ट्स दिए गए हैं। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रभाग है, मतलब फिजिकल डिवीज़न है, जबकि यह सबसे बड़ा नहीं है, यह दूसरा सबसे बड़ा है। और इसे सिंधु गंगा का मैदान भी बोला जाता है। तो यह जो दूसरा नंबर फैक्ट है वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो त्रिकोणीय, ट्रेंगुलर है। आईओलियन भू आकृतियों का निर्माण किससे होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, चिल्का झील भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह हो जाएगा चिल्का झील उत्कल का मैदान, जो कि ओडिशा में पड़ता है, उत्कल का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, तो वह हो जाएगा नर्मदा। यह कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट हमारा, ज़्यादातर नदियों के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें भी 3 फैक्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो तीनों फैक्ट्स है वह सही है। ज़्यादातर नदियाँ मौसमी हैं, क्योंकि उनका पोषण वर्षा से होता है। गोदावरी नदी का प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जल ग्रहण क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में बहती है और अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, तो सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा, धुआंधार झरना किस नदी पर स्थित है, तो वह हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूरब की ओर बहने वाली नदी है, तो इसमें आप देखते हैं कि पूरब की ओर कौन कौन बहेगी, तो दूसरा और तीसरा, कृष्णा और महानदी, लेकिन ताप्ती और नर्मदा जो है वह किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में यह मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा सौर विकिरण। टेम्परेचर वेरी करता है, जिसके कारण यह जो मानसून है वह सक्रिय होता है, एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जलवायु घटना के कारण मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से वैश्विक मौसम पैटर्न बाधित होता है, तो यह हो जाएगा अल नीनो। अल नीनो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसका यदि आप देखें सही आंसर तो वो हो जाएगा पृथ्वी का, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। नेक्स्ट हमारा चक्रवात के बारे में पूछा गया है और इसमें चार फैक्ट्स दिए गए हैं और इसमें से सही फैक्ट्स पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। और यहाँ जो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि यह मुख्य रूप से भूभाग पर बनते हैं, जबकि भूभाग पर नहीं, यह कहाँ बनता है तो समुद्री क्षेत्र में यह ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ताप और आर्द्रता दोनों यहाँ मिलती है जो कि चक्रवात को डेवलप होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार की कृषि पद्धतियों का लक्ष्य जो है परिवार का भरण पोषण होता है, तो वो हो जाएगा निर्वाह कृषि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की अवधारणा तैयार की गई थी, तो वह हो जाएगा तीसरा, 1961 से 66 इसका टाइमिंग था। नेक्स्ट हमारा भारतीय मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी है, तो 40%। किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे वृक्ष फसलों के लिए उपयुक्त है, तो वो लेटराइट हो जाएगा। मानसून के मौसम में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो वह कौन सा हो जाएगा, खरीफ फसल। जैसे आप देखेंगे कि चावल क्या होता है, खरीफ फसल जिसमें पानी की आवश्यकता, यह कब बोया जाता है, तो मुख्य रूप से यह मई जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है खरीफ फसल। नेक्स्ट टाइम और इसी समय जो है हमारा मानसून एक्टिव रहता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं किस प्रकार की सिंचाई में पानी की बूंदें पौधों की जड़ों के करीब पहुँचती है, तो यह हो जाएगा पानी की बूंदें पौधों की जड़ों के करीब कब पहुँचेगा, किस प्रकार में, तो ड्रिप में। इसमें क्या किया जाता है कि पाइप के माध्यम से जहाँ पानी पहुँचाना है वहाँ हम पहुँचाते हैं, मतलब एक होता है फ्लड इरिगेशन, तो उस तरीके का हम यूज इसमें नहीं करते हैं। किस प्रकार के वन उस क्षेत्र में उगते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों और जानवरों सहित संपूर्ण विविधता का रक्षा करता है, तो वह हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हमारा 26। ये पूछ रहा है कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो वो IUCN करता है। कौन सा शब्द किसी देश के भीतर नदीय झील और नहरों द्वारा बनाए गए नौगम्य मार्गों को संदर्भित करता है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसमें आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक है, कोयला प्राकृतिक गैस और तेल यह जो है पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो इसमें से आप ऑप्शन देखेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1872 और जो व्यवस्थित जनगणना है वो 1881 में। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा प्रोसेस निभाई है, तो अभिवृद्धि, अभिवृद्धि। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भूपर पट्टी से बना है, तो वह हो जाएगा हमारा 1%। जो टोटल वॉल्यूम है उसमें जो हमारा अर्थ क्रस्ट का जो है रोल कितना है, 1%। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य रूप से यह निर्धारित करती है चट्टान को आग्नेय अवसादी और रूपांतरित के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं, तो वो हम देखते हैं उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हम देखते हैं कि जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपक्षय। सर्क ग्लेशियर क्या है, तो सर्क ग्लेशियर क्या है कि पहाड़ के किनारे कटोरे के आकार में जब बर्फ जमा हो जाता है तो उसको हम सर्क ग्लेशियर बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कौन सी नदी की भू आकृति, मतलब नदीय आकृति जो है नदी या जलधारा की कटावपूर्ण कार्रवाई से बनती है, तो वह हो जाएगा घाटी। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है, तो वह हो जाएगा 21%। फिर है ओजोन परत, पृथ्वी की ओजोन परत किसको बोला जाता है, समताप मंडल को। उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पे जलते हैं, तो यह हो जाएगा मेसोस्फेयर, मध्य मंडल में।
जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सामान्य चूक दर, नॉर्मल लैप्स रेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी जो सही ऑप्शन चूज करना है तो यहाँ हो जाएगा डोलड्रम किसको बोलते हैं, तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब बेल्ट, वह बल जो हवा की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर विक्षेपित करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। किस प्रकार के बादल अक्सर गरज और भारी वर्षा से जुड़े होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यूमुलोम्बस। इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है इसको हम बहुस्तरीय वर्षा बोलते हैं, और इसमें बी जो है वह सीरस और एस्टेट्स, ये क्या है सीरस क्या है, तो ये उच्च स्तरीय हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है एस्टेट्स ये निम्न स्तरीय वर्षा। और इसका नामकरण ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो हाइट के अनुसार जो निम्न है इट मीन्स कि उसका लो हाइट पर इसका फॉर्मेशन होता है, और उच्च का क्या मतलब इसका हाई एल्टीट्यूड पर इसका फॉर्मेशन होता है, और बहुस्तरीय मतलब इसका फैलाव हाई से लेकर पूरा लो एल्टीट्यूड तक इसका रहता है, सॉरी हाइट तक। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसमें हम देखेंगे कि सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पैमाने पर परिसंचरण प्रणाली जो अंदर की ओर घुमावदार हवाओं की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी हवा है, तो वो हो जाएगा मानसून। फिर है जो मूंगा चट्टान है इसके बारे में पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के बारे में, कि समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों के संचय से इसका किसका निर्माण होता है, तो मूंगा चट्टान। पहाड़ों की घाटी में बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा काटावेटिक हवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, महासागरीय लवणता के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो हवा का पैटर्न। नेक्स्ट हमारा कौन सा कारक मुख्य रूप से बसंत ज्वार और लघु ज्वार के बीच अंतर निर्धारित करता है, तो वह हो जाएगा पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो एंगल है वो डिसाइड करता है। किस बायोम की विशेषता कम तापमान परमाफ्रस्ट और काई और लाइकेन जैसी सीमित वनस्पति है, तो टुंड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा गया है देशांतर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। इसमें देखिए कि ध्रुवों के बीच दूरी नहीं बल्कि दो स्थानों के बीच की दूरी को मापा जाता है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखाओं रेखा के समानांतर चलती है, जबकि ये गलत है, ये इसके आप कह सकते हैं 90 डिग्री में यह रहता है। भारत का समय क्षेत्र कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वह हो जाएगा 5 स्टेट। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो वह हो जाएगा 7 कंट्रीज के साथ। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, किसे अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करेगा। कौन सा भारतीय राज्य देश के सबसे पश्चिम बिंदु पर स्थित है, तो वो गुजरात होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है, तो वो डुरंड रेखा। भारत में किस प्रकार की वनस्पति सबसे बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है, तो वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के सिंधु गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। भारत का कौन सा भारतीय राज्य अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो ये पंजाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की जलवायु
मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, जिसमें ऊंचाई, अक्षांश और समुद्र से निकटता के कारण विविधताएं हैं। मतलब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा विविधता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्र से निकटता, ऊंचाई और अक्षांश, इसमें काफ़ी वेरिएशन होता है और जिसकी वजह से यहाँ डाइवर्सिटी काफ़ी है। दक्कन के पठार के निर्माण में किस भूवैज्ञानिक जो प्रोसेस है मुख्य रूप से योगदान दिया है? तो जल ज्वालामुखीय गतिविधियाँ, वॉल्केनिक एक्टिविटी इसमें मेजर रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सह्याद्री पर्वत माला के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों को आरोही क्रम में सजाना है, तो इसमें से नीचे से ऊपर की ओर चलना है। इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें छोटा बड़ा का साइन नहीं लगेगा, इसमें पृथ्वी की जो की संरचना में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? तो वो 46%। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल नहीं है? तो वो हो जाएगा वायु, इंडोजेनिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृति का एक प्रकार नहीं है? तो उसमें गर्म झरने हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टेरेसिंग, ट्रेसिंग एक मृदा संरक्षण तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है तो मिट्टी के कटाव को रोकने में। ट्रेस फार्मिंग में क्या होता है कि जो विभिन्न हाइट्स हैं उसको एक, विभिन्न जो लैंड हैं उसको एक हाइट में लाने की, इस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, लाल मिट्टी के विशिष्ट लाल रंग के लिए क्या जिम्मेवार है? तो हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कास्ट भू आकृतियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो वो रासायनिक, केमिकल, वेदरिंग। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय भूमि रूपों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन वायु द्रव्यमान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान तापमान और आर्द्रता विशेषताओं वाला वायु का एक बड़ा पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम विज्ञान में मोर्चे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न वायु, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियां मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, इसमें कह रहा है कि हिमालय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा? गोदावरी। निम्नलिखित कौन सी वायुमंडलीय घटना मुख्य रूप से भारतीय मानसून की शुरुआत को प्रेरित करता है? तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ITCZ, अंतर उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जैसे जैसे इसका फैलाव हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर होता है वैसे वैसे मानसून एक्टिव होना स्टार्ट होता है। कौन सी वनस्पति प्रकार भारत के गंगा क्षेत्र की विशेषता है? तो यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और सबसे ज़्यादा भी भारत में इसी का फैलाव है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 481 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैविक संसाधन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ऑप्शंस के अनुसार? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित जीव और उसके उत्पाद जो मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाते हैं। परवाल भित्ति के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मूंगा चट्टान जैव विविधता हॉटस्पॉट है और समुद्री जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करते हैं। भारत में चावल की खेती मुख्य रूप से किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा नहर सिंचाई, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ नहर सिंचाई का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, किस फसल प्रणाली में एक ही बढ़ते मौसम के दौरान भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती होती है? तो अंतरा फसल, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचवर्षीय योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है एक स्ट्रेटजी बना करके, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट
के लिए हम कुछ टारगेट फिक्स करते हैं, इसके तहत ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, और इसमें भारत के किस भौगोलिक विभाजन की विशेषता, इसके ऊबड़ खाबड़ भूभाग, ऊंचे पठार और विस्तृत लावा पठार है, तो यह हो जाएगा दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन आवरण का प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पश्चिमी घाट में वनों के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के जंगल जलवायु को विनियमित करने और जल संसाधनों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो शंकुधारी पेड़ से बने ये गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट के जंगल किसी भी स्थानिक प्रजाति से रहित है, जबकि स्थानिक प्रजाति भी वहाँ पाए जाते हैं, तो रहित वर्ड यहाँ गलत है, पश्चिमी घाट के जंगल मुख्य रूप से पर्णपाती प्रकृति के हैं, ये भी गलत है। ग्रीष्म संक्रांति पर निम्नलिखित में से किस वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो इसका भूमध्य रेखा पर ये लंबवत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति भारत में चावल की खेती में सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो वो आर्द्र भूमि खेती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा जीवों का एक समुदाय जो एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, इट मीन्स एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका प्रश्न का यहाँ यह अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ प्रजातियों की संरचना और सामुदायिक संरचना में क्रमिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा भूगोल में राष्ट्र राज्य की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो इसमें सांस्कृतिक पहचान के साथ राजनीतिक सीमाओं का संरेखण। सतत विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को संतुलित करना, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को देखते हुए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाना, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक योगदान क्या है, तो इसमें सेवा प्रावधान और रोजगार सृजन इसका तृतीय क्षेत्र का है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो हिमालय का हिस्सा कौन नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे कि विंध्य रेंज जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह मध्य भारत में है। भारतीय उपमहाद्वीप में हवाओं के मौसमी उलटफेर के लिए कौन सा पवन पैटर्न जिम्मेवार है, तो मानसूनी हवा। मध्य भारत में किस प्रकार की जल निकासी है, तो डेंड्राइटिक जल निकासी, वृक्षनुमा इसको आप कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में किस प्रकार के वनस्पति सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97, इकोटोन क्या है, तो दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी की विशेषता, इसकी उच्च मिट्टी सामग्री और उत्कृष्ट जल धारण क्षमता है, तो चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली कपासी मिट्टी, जिसे आमतौर पर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, उसकी सबसे अच्छे तरीके से उसका विशेषता को कौन सा ऑप्शन बता रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही रूप से इसका व्याख्या कर रहा है। खाद्य श्रृंखला को सबसे अच्छी तरह से कौन प्रभावित कर परिभाषित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, एक गोलाकार प्रक्रिया जहां ऊर्जा को कोशी स्तरों के बीच स्थानांतरित किया जाता है, मतलब इसमें उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता के बीच जो बनाया गया है श्रेणी उसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 101, इसमें भी हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई समुद्री परत के निर्माण और महासागरीय घाटियों के चौड़ीकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेवार है, तो इसमें समुद्री तल का फैलाव जिम्मेवार है। समुद्री ज्वार की घटना का मुख्य कारण क्या है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। किस प्रकार के ज्वालामुखी की विशेषता, एक विस्तृत धीरे धीरे ढलान वाली प्रोफाइल और द्रव लावा
प्रवाह का विस्फोट है, तो वो सिल्ड ज्वालामुखी, सिल्ड वॉल्केनो। बायोम क्या है? तो बायोम एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसकी विशेषता इसकी अद्वितीय जलवायु, मिट्टी और वनस्पति है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, एस्कर क्या है? तो एस्कर पिघले पानी की धाराओं के द्वारा रेत और बजरी की जमाव से बनने वाली एक प्रकार की हिमानी भू आकृति है। और यह प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का प्रकार नहीं है? तो वो इसमें ऑप्शन नंबर सी संगमरमर हो जाएगा, मार्बल। नेक्स्ट हमारा, कौन सी जलवायु विशेषता भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्की गीली सर्दियों के साथ गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल। कौन सी खगोलीय घटना के कारण वैश्विक स्तर पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है? तो वो हो जाएगा विषुव, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के गोरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो सरावती नदी। कौन सी भारतीय राज्य प्रसिद्ध चिल्का झील झील का घर है? तो वो ओडिशा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे भूकंप के दौरान सबसे अधिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये हो जाएगा सरफेस वेव, ऑप्शन नंबर सी। लोकटक झील, जो कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में। एक अरेंजमेंट दिया गया है क्वेश्चन 114 में, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। नेक्स्ट है, भारतीय वन रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा यह तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक वानिकी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका वन प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित ये प्रश्न, चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120, वर्ष भर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन के लिए कौन सी घटना जिम्मेवार है? तो इसमें पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यहाँ मुख्य रूप से जिम्मेवार है, एक्सियल टिल्ट। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचौंग का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो वो म्यांमार के द्वारा। सेनिस प्लासियोस किस देश की है? तो निकारागुआ। किस संस्थान ने 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएगा मिनहांस। इसरो ने अंतरिक्ष में किस वर्ष तक स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? वो हो जाएगा पीवी सिंधु को। हाल ही में मुंगा रोग के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है हमारा, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2024 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान कितना है? 6.6%, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए किस संगठन ने लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो वो हो जाएगा नासा के द्वारा। नैनो पीटीए क्या है? तो नैनो पीटीए एक एंजाइम है जो कि IISc के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, बनाया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस देश के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह भारत के द्वारा। पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा निशांत देव। क्लाउडिया सिनबागम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बन गई है? तो वो मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी। 17वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो हो जाएगा काठमांडू।
किस राज्य में पहला सोलर किस राज्य में पहला सोलर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है? तो वो उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, और यह कौन सा हो जाएगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसी को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो वो दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 140, हट्टी कम्युनिटी का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का संबंध किससे है? तो यह B.R. अम्बेडकर से इसका संबंध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो हो जाएगा नीदरलैंड में। विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है? तो ओडिशा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो वो हो जाएगा अमन सहरावत। चम्मयाविल कू उत्सव यह किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो केरल में। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा जाता रहा है। पानी से धातु आयन को हटाने के लिए विकसित जो अमृत उपकरण है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, आनंद विवाह अधिनियम का संबंध किस धर्म से है? तो वो सिख धर्म से है, और हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने इसको लेकर एक कानून का निर्माण किया है। नेक्स्ट है हमारा, SCO के सुरक्षा परिषदों के सचिव का 19वां बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान के अस्थाना में। भारत का पहला AI शहर के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यंग वाइल्ड लाइफ और फोटोग्राफर द ईयर को 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विहान ताल्या विकास। यह जो अवार्ड दिया जाता है वह 10 साल से कम उम्र के फोटोग्राफर को दिया जाता है, और हाल ही में इसने भगवान श्री कृष्ण और को लेकर के एक फोटोग्राफ बनाया था, इसी को लेकर के यह पुरस्कार इसको दिया गया है, विहान ताल्या विकास को। इस तरह से हमारा जो 150 प्रश्नों का जो एपिसोड था यही समाप्त होता है। धन्यवाद।